अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, वो फोस्टर पेयर के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह आप फोस्टर पेयर जो हैं इनका यूज़ कर सकते हैं एक मैंगी म्यूटेशन के साथ। तो चलिए, अल्लाह ताला के नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लोगों के बर्ड्स खुश होंगे। आप अल्लाह ताला के शेड में बरकत की दुआ फरमाएं, आमीन। तो दोस्तों, अब जिस तरह मैं आपको बताता हूँ फोस्टर पेयर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। फोस्टर पेयर इसलिए होते हैं, इस दोस्तों ये एक पेयर है क्रिमिनों का और अल्बाइनो की फीमेल, सॉरी डिकिनो है अल्बाइनो की, अल्बाइनो डाटा की फीमेल है अंदर की है। अब इसी तरह और भी पेयर लेकिन मैं इसे मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब देखें, इसके समझ लें अंडे आए हैं चार, ठीक है। उसके साथ ही ये फोस्टर पेयर है, इसके भी कितने मजे भी अंडे हों, अंडों की हमने काउंट नहीं करना, बस इनकी टाइमिंग मतलब के अंडे मतलब के समझ लें। इसने जिस तारीख को अंडे दिए ना, जिससे इसका 17 तारीख को एक एग आया था, तो इसका 14 तारीख को, मतलब इनकी टाइमिंग आपस में मैच करिए। कम अज़ कम देखें अल्बाइनो की फीमेल बाहर आ गई है, कम अज़ कम इसमें कम अज़ कम ना 1 वीक का गैप होना चाहिए। 1 वीक का हो जाए मतलब कितनी हद है, इससे ज़्यादा आपका गैप ना हो अंडों का, अंडों की टाइमिंग का, ठीक है। आपने करना क्या है, ये इसके अंडे हैं ना, इससे समझ लें अपने अंडे इनकोपलेट करने हैं। फिर इसके 2 महीने लग जाएंगे इसको अपने बच्चे पालने में, फिर 2 महीने बाद अगला क्लास देगी। इसका फोस्टर पेयर का क्या फ़ायदा होता है, आपने इसके अंडे उठाने हैं, इस चार ज़ाया कर देने हैं। ये देखें, ये सारे फोस्टर्स के एग्स हैं, लेकिन जो अंडा इसका फर्टाइल हुआ होगा वो नहीं करना, क्योंकि उसमें बच्चा बन गया होगा और वो बन रहा होगा, अल्लाह ताला उसमें जान डाल दी होगी, तो उसको ज़ाया नहीं करना, वो आपको गुनाह मिलेगा। आपने जो अंडा अनफर्टाइल होगा ना, अनफर्टाइल की क्या पहचान है, मैं दिखाता हूँ, टॉर्च मुझे मिल रही थी। अनफर्टाइल ये होगा कि आपने 10 दिन बाद अंडे पर लाइट मारनी है, अगर वो पूरा येलो हुआ तो अनफर्टाइल है, अगर वो उसमें लग गया कि रेड कलर की वेंस नज़र आएंगी ना, तो आपको तो आपने समझ लेना कि वो अंडा फर्टाइल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंडे उठाने हैं, इसके अंदर रख देने हैं, ठीक है, और इसके अंडे ज़ाया कर देने हैं जो अनफर्टाइल होंगे। इसके अंडे उठा के इसमें रख दिए, ये इसके बच्चे सेकेगा, इसके बच्चे अंडे जितने भी इनकोपलेट करेगा, बच्चे पालेगा, बच्चे करने के बाद ये क्या होगा, ये 20 से 10-15 दिनों बाद ना ये दोबारा अंडों पे आ जाएगा, जहाँ इसने 2 महीने बाद के बच्चे सेल्फ होने थे, ठीक है। बच्चे सेल्फ होने के बाद इसके क्या कहते हैं अपना अंडा दोबारा देना था, वहीं से 20 से 15 दिनों बाद अंडों पर आ जाएगी। फोस्टर पेयर का ये फ़ायदा होता है, और फोस्टर पेयर हम वो यूज़ करते हैं जिनकी प्राइस मिनिमम 5000 से नीचे हो, मतलब ग्रीन फिशर हो गया, ब्लू मास्क हो गया, कोमोलुटिनो हो गया, और ये जितने भी छोटी म्यूटेशंस होती हैं, जैसे ब्लैक मास्क, ब्लू मास्क, वॉलेट वगैरह, ये जितने भी होते हैं ना तोते छोटे लवबर्ड्स में, ये सारे फोस्टर पेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे अच्छा जो फोस्टर है ना वो कोमोलुटिनो है। ये देखेंगे ये लवबर्ड कोमोलुटिनो, ये माशाल्लाह से हमारे पास 1, 2, 5, 7, 8 पेयर्स हैं इनके, और बाकी सारे ग्रीन फिशर के हैं फोस्टर में, बाकी ये सारी म्यूटेशंस लगी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो अंडे हैं ना उनको फेरते हुए हमने पूरी हिसाब किताब लिखना है, कॉपी पे सही कॉपी रखी हुई हमने कि हमने इसके बच्चे इसको दिए थे, क्योंकि उसमें गड़बड़ होती है, फिर आप पेरेंट्स का आपको पता नहीं चलता कि इस बच्चे के पेरेंट्स हैं। और आपने ये मार्कर ले ना, इससे ना हर अंडे की जिस भी अंडा है ना उसकी आपने डेट लिखनी है, जिस तरह मैंने बॉस के ऊपर भी लिखी हुई है टेप लगा के कि 25 तारीख को अंडा आया, 27 को अंडा आया था, आपने अपने अंडे पर कौन सी डेट लिखनी है, 1, 2, 3, 4 इस तरह, ठीक है। मतलब कि ये पहला अंडा था, दूसरा आपको पता होगा कि 21 डेज़ बाद इसका बच्चा निकलना है, अगर ना निकला आपने 1-2 दिन और सफ़र कर लेना है, फिर आपने उसको अगर 5 दिन और ऊपर हो जाए बच्चा ना निकले तो आपने अंडा वेस्ट कर देना है, नहीं तो 22-23 डेज़ बाद ना आपने, अच्छा अगर बच्चा ना निकले तो आपने एग को खुद खोल देना है। पहले उसको क्या कहते हैं, सोर ब्राइट से गीला करके ना उसको अच्छी तरह साफ़ करना है, अगर जर्सी वगैरह होना अंडे के बाद तो साफ़ हो जाते हैं, बच्चे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है अंडे की और बच्चे को आसानी होती है बाहर निकलने में। लेकिन आपने अगर 23-24 डेज हो जाए ना, अगर आपको दिल माने तो आपने अंडा खोल देना, हमने क्योंकि बता रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा अच्छा के बच्चे निकाले 24-25 डेज बाद ना, कि अंडा बच्चे ना निकले टेंशन होती है ना, अंडा खुद ही खोल देते हैं तो बच्चा निकल आता है। तो इसी तरह और दूसरी चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने ना बिल्कुल ध्यान से काम करना है, इसमें हल्की सी नींद ना ख़राब हो सकती है, जैसा समझ लें
कि आपने समझ लिया इसके और इसके अंडों में महीने का गैप है और आपने इसकी चार अंडे रख दिए, बट कि साइकी होती है उसको पता होता है कि मेरे अंडे कब हैं, किस दिन आए थे और कितने दिनों में इनकम्प्लीट बच्चे निकलने हैं, तो बट भी स्ट्रेस में आता है कि कहता है ये मेरे साथ हो गया था। ये ना हो ना इसने अभी अभी अंडा दिया इसके 15 दिन हो गए, आपने उसको उठा के इसके ज़ाया कर दिए, इसके ज़ाया कर दिए, इसको उठा के इसके डाल दिया, वो कह रहे कि 2 दिनों बाद उसका बच्चा निकल आना, उसने कहा नहीं क्या हो गया, उन्हें भी बच्चे को सीधा फीड नहीं करानी। और दूसरी बात यह कि आपने किसी भी ऐसे पेयर को बच्चा नहीं देना जिसने कभी पहले अपना बच्चा ना पाला हो, समझ लें इसके अंडे हो, आप इसका अंडा उठा के किसी और का एकदम बच्चा रख देना, बच्चा मार देना, बहुत कम इस तरह के पेयर होते हैं जो बच्चा पाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि बच्चा मार देते हैं, उसके बाद तो अपना खुद का बच्चा ना निकला ना, तो बच्चा नहीं देना किसी फॉस्टर पेयर को। ये ह्यूमिडिटी कर रही है देखो, और काफ़ी सारे जैसे देखें मैं बताता हूँ, 1, 2, 3 ये 5 बड़ी म्यूटेशन है, इन सब के हम अंडे ना हमने फॉस्टर कर दिए और इनको फ्री कर दिए, ये कम अंग इंशाल्लाह 10 दिन बाद में दोबारा अंडों पर आ जाएंगे, ये अभी बॉस के अंदर गई हुई है फीमेल्स, ये अंडों पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी भी देखें दिसंबर का महीना, टेम्परेचर चेक करें क्या चल रहा है फॉस्टर, मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब के मुताबिक ना ये जो होते हैं ना कम्युनिटी सबसे अच्छा फॉस्टर है, ये देखें लड़ाई करेगा मुझसे आके, नहीं ये भाग के डर के नहीं चलो लड़ाई करते हैं, वो भी बॉस के अंदर गया हुआ फिलहाल, ये ना काटते हैं ये अपने बच्चों की बहुत भरपूर तरीके से हिफाजत करते हैं, ये वाले तोते अच्छे पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ग्रीन फिशर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा फॉस्टिंग में, लेकिन हर किसी का अपना अपना होता है, किसी के ग्रीन फिशर से चलते हैं, किसी के पास कम्युनिटी अच्छी चलती हैं, ये हिसाब किताब होता सारा। इसको भी हमने 2 टिकिनों के बच्चे दिए हुए, अगर किसी भाई ने टिकिनो क्रीमो अल्बाइनो कोई भी बढ़ लेना हो तो हमें पहले बुकिंग करवा दें, हमसे पहले बुकिंग करवा दें उसकी, हम उसको वो बर्ड प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कम से कम 1.5 महीने तक ना सारे बच्चे सेल होकर बाहर आ जाएंगे, इस फ्लाइंग में आपके सामने मैं आप लोगों को सब सारे बर्ड्स दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये फ्लाइंग की भी सेटिंग करेंगे, मैं सोचता हूँ ये वाला केज उठा के उधर रख दें और ये इसकी तरह इस तरह करके ना फ्लाइंग सामने आ जाए। और दोस्तों अब मैं पहले आप बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने अंडों का हिसाब किताब लाजमी रखना है कि ये पहला अंडा था ये मैंने खो दिया है, इस केज नंबर का अंडा था ठीक है, मैंने इसका अंडा दिया 9 केज वाले को 13 नंबर के अंडे दिए या 13 वाले को 9 के अंडे दिए, सर आपने अपना पूरा हिसाब किताब बनना है ठीक है। और मैं आपको बता चलूँ ये मेरे 3 फॉर्मलिटीनों के बच्चे हैं, ये इसके पेरेंट्स ही हैं, ये मेल है जो फीमेल है वो दोबारा अंडों पे आई हुई है, ये मेल भी लड़ाई करता है, तो ये तीनों बच्चे ना फॉर सेल हैं, इनकी एज कम से कम 2 महीने हो गया, अगर किसी भाई को चाहिए तो बता दें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बनाया इसी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप लोग ठीक है, और अगर किसी भी तरीके की आपको मालूम चाहिए हो लबर्ड्स के हवाले से ना मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैसेज में भी कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आपको किसी चीज़ पे वीडियो समझ ना आ रही हो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, आप मुझे 100 फुट के वगैरह में सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, मैं ऐसा रहता सब चीज़ों के बारे में वीडियो बना के दूंगा आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों के साथ साथ आपको नई वीडियो मिलेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ग्रुप्स में जितने भी फेसबुक के हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस काम के हवाले से हैं लबर्स के हवाले से, और वीडियो पर कमेंट भी करें। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सब तोते खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए आमीन, और आपके तोतों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके शर्ट में उनके भरी रहें। और दोस्तों चलते हैं और नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।